फंक्शन क्वेश्चन है जे एडवांस 1983 का, कह रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू वेयर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 1, 2x² - 3x + 3/2, एक्स लाइज बिटवीन 1 टू 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एफ डैश एफ डबल डैश ऑन 0 टू 2। देखो जो डिफाइंड डोमेन है 0 से 2 के बीच में, उसमें हमें कंटिन्यूटी किसका किसका कमेंट करने हैं, एफ एफ डैश और एफ डबल डैश का। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको देखो कैसे करते हैं आसानी से। पहले एफ एक्स जो गिवेन है वो लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई टू, यह है गिवन कंडीशन जब एक्स लाइज बिटवीन 0 टू 1, यहां इक्वलिटी नहीं है। और यहां पे क्या है, 2x² - 3x + 3/2, जो x कहां है 1 से 2 के बीच में है, ठीक है। अब f डैश x निकाल लो, f डैश x निकालो तो क्या आया, x, और ये क्या आ गया 4x - 3, ठीक है। ये आपके पास f डैश x हमने निकाल लिया, f डबल डैश x निकालो, f डबल डैश x, ठीक, f डबल डैश x निकालोगे तो इसका 1 और ये 4, 0, x लेस देन 1, 1, x लेस देन इक्वल टू 2। अब आप देखो f डबल डैश x का पहले कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। देखो इसका तो ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं, जैसे ही 1 पे देखोगे तो ये 1/10 है, 1 से जस्ट पहले, और 1 पे 4, तो सीधे सीधे जंप कर जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा f डैश x, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसका हम ग्राफ बना दें तो ये देखो ऐसे आएगा, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में देखो ये 4 अटेन कर रहा है वैल्यू, ये 4 है और 1 तक ये है, 1 0 से 1 के बीच में ये है। तो आपको क्लियर कट दिख गया कि 1 पे जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये क्लियर हो गया f डबल डैश का। अब आप देखो f डैश x का ग्राफ बनाते हैं, f डैश x देखो सबसे बढ़िया है कमेंट करना ग्राफ से ही। अब आप देखो x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में, ये देखो ये हुआ 1, और जैसे ही हम इसको 1 पे रखें तो ये भी 1 आएगा क्योंकि 4 - 3 = 1, और जैसे ही 2 रखें तो 4 * 8 = 3 = 5, इसका स्लोप थोड़ा सा बढ़ के जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा और ये कहां है, ये आएगा 2 पे, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 और ये आपका आ गया 1। बेसिकली हमें ये ब्रेकेबल पॉइंट पे ही चेक करना था, फंक्शन हमें सेम वैल्यू मिलेगा तो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। अब एफ डैश एफ एक्स का कहें, एफ डबल एफ डैश एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है, एफ एक्स का कहें तो 1 रखो 1/2, इसमें 1 रखो तो 2 - 3 जो कि -1, और 1.5 में से -1 कर देंगे तो 0.5 बचेगा, तो यही 1/2 और ये भी 1/2, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ आपको डिसकॉन्टिन्यूअस कौन सा मिला, एफ डबल डैश एक्स। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठाए रहना।